Hello friends, I am Mankit. Welcome to our channel Mankit 72, A Way to Success. Friends, जैसा कि आपको देखते ही पता चल गया होगा, हम आपको यहाँ टॉप 500 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम में, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, हर एक में आते हैं. हम आपको इसके साथ ही कुछ एक टॉपिक्स भी कवर करवाएंगे, जो साइंस के टॉपिक है, आपके जनरल साइंस के टॉपिक है, जीके के कुछ एक टॉपिक और रहते हैं, आपके आवर्त सारणी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको साथ में ही कवर करवा देंगे. हम बीच में ही सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, एमडी, ये सभी जितने भी टॉपिक्स है, मींस अभी जो लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक आपको इसी वीडियो के अंदर कवर करवा दिया जाएगा. उनसे जुड़े हुए जो 500 प्लस क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा अभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ामों में भी जो पूछे जाएंगे, हम आपको अभी अवेलेबल करवा रहे हैं. ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल मंकित 72 पर, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी एग्ज़ाम दे उसे इसका बेनिफिट मिले. चलिए अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ. ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं. और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस हर तरह के हैं इसके अंदर. सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं. आपको इसमें वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए. सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हु इज़ द ओनर ऑफ KKR टीम इन IPL 2018. IPL 2018 में ओनर कौन था कोलकाता नाइट राइडर्स का, वो कौन थे, शाहरुख खान और जूही चावला. हु इज़ द करंट CM ऑफ तमिलनाडु, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. हु इज़ द करंट CM ऑफ तमिलनाडु, वो कौन है, ई के पलनस्वामी. हु इज़ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, हु इज़ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलाहाबाद, वो कौन है, उषा आनंदा सुब्रमण्यम. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है फ्रेंड्स, इनके क्वेश्चन के आंसर हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा ध्यान दें. ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है जिनके हम आपको आंसर लास्ट में प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है. देखिए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, इसका बलराम दास टंडन. रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय होम, ये किसके द्वारा पाया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने. हु गोट फर्स्ट भारत रत्न ऑफ इंडिया, देखिए किसने सबसे पहले भारत रत्न मिला था, ये कब मिला था, साल 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न पुरस्कार, सबसे पहले तीन हस्तियों को दिया गया था, किसे, सी राजगोपालचारी, सी वी रमन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट. हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ये कौन सी है, महानदी रिवर है, और साथ में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में है, तो ये किस स्टेट के अंदर है, ओडिशा के अंदर. हु इज़ द एडवाइजर ऑफ PM ऑफ इंडिया, देखिए कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको बीच में ध्यान देने होंगे, ये हम आपके लिए जानबूझकर छोड़ रहे हैं, ताकि आपका ध्यान बना रहे, आप कहीं और आपका ध्यान ना जाए. हु इज़ द ऑथर ऑफ एग्जाम वॉरियर बुक विच वॉज रिलीज बाय PM मोदी, देखिए ये एक बुक है एग्जाम वॉरियर, अभी ये लिखी गई थी अभी थोड़े दिन पहले, ये करंट का ही क्वेश्चन है, तो ये इसके ऑथर कौन है, नरेंद्र मोदी. उसके बाद क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड, देखिए साइंस का क्वेश्चन है ये, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे. अब है इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इज, AC मेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया के अंदर, ये होती है 50 हर्ट्ज. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाय मास. व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ एनर्जी, देखिए SI यूनिट पूछी गई है एनर्जी की, तो सबको पता है वो क्या होती है, जूल. ठीक है, उसके बाद है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की SI यूनिट पूछी गई है, वो क्या होती है, ओम होती है. ठीक है, साइंस के लिए बड़ा ही, साइंस के क्वेश्चनों में से बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं आपसे. व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. हु डिस्कवर DDT, ये कौन थे, पॉल हरमन मुलर, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, पॉल हरमन मुलर. अब देखिए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल, ये किस मटेरियल की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर या फिर नाइक्रोम. हाउ मैनी सैटेलाइट आर देयर इन जुपिटर, जुपिटर के कितने सैटेलाइट है,
जुपिटर के सैटेलाइट कितने हैं, उपग्रह कितने हैं, 79। अब क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास वाली कंट्रियों से या कुछ एक कंट्री है जो अभी चर्चा में है, उनमें से कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल पूछी गई है वो क्या है, कुलालमपुरम, क्या नाम है इसका कुलालमपुर। हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन फीमेल सिंगल्स, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये चार होते हैं US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चार तरह के होते हैं, हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें थे ये सभी। तो देखिए विनर पूछा गया है फीमेल में, फीमेल सिंगल्स के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वो कौन है, कैरोलिन वोजनिया। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, हमारे अरुण जेटली। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स 133, खुश रहने में इंडिया की रैंक कितनी है फॉर पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के लोगों की कितनी है, 133। हु वाज द फैगर बियरर इन कॉमनवेल्थ सेरेमनी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने इंडिया का फ्लैग बियर किया था, किसने इंडिया का झंडा, वो कौन थी, मैरी कॉम। उसके बाद है हु इज़ द करंट CM ऑफ नागालैंड, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद है अंतरिक्ष में छोड़ा गया विश्व का प्रथम उपग्रह है, ये कौन सा था, स्पुतनिक 1, क्या नाम था इसका, स्पुतनिक 1। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके लिए कौन सी योजना चलाई है भारत सरकार ने, ऑपरेशन स्माइल, क्या नाम है उसका, ऑपरेशन स्माइल। स्वच्छ रेलवे स्वच्छ भारत के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, ये योजना कौन सी है, क्लीन माई कोच। देखिए ये योजनाएँ ऐसी है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कम्प्लीटली, थोड़ा बहुत पता होता है, तो इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं बार बार इनके लिए। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, जेड जॉनसन ने। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइंस में आपसे आविष्कार पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में सभी में। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, सभी को पता है आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब आरबीसी की लाइफ स्पैन, आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 डेज। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है इसकी यूनिट, कैंडेला। बाबा रामदेव किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम सभी को पता होना चाहिए, बाबा रामदेव किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, ये किसके है, हरियाणा के। उसके बाद है जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का क्या होता है, क्या हो जाता है जब बर्फ़ पानी में तैरती है, तो एक उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बर्फ़ को पानी में डाल दें तो क्या होगा, जो बर्फ़ का ऊपर हिस्सा रहता है वो कितना होता है, पूरी बर्फ़ का 1/10 भाग, मीन्स अगर हम उसके 10 पार्ट करें तो 9 पार्ट पानी के नीचे होंगे और 1 पार्ट ऊपर होगा। GST किस देश ने सबसे पहले लागू किया था, देखिए GST से रिलेटेड क्वेश्चन, GST लग चुका बट क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्या आ रहा है, GST किस देश ने सबसे पहले लागू किया था, ये किसने किया था, फ्रांस ने। उसके बाद ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, इस बीमारी से ग्रसित लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इन मरीजों के रक्त में प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी होते हैं। ठीक है, हम आपको क्यों बता रहे हैं कंप्लीट, ताकि आपको पूरा पता चल जाए और इसके ऑप्शन से भी आपको पता चल जाए, अब ये दोनों इसी के अंदर आएंगे क्लोजिंग फैक्टर में। व्हाट गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस किसे कहा जाता है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड को, जब भी लाफिंग गैस की बात आए तो कौन सा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए पूछा गया व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, वो क्या होता है, सोयाबीन। एटॉमिक नंबर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद व्हाट, जो श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे है, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड होती है। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन
डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? हेलीकॉप्टर की खोज की थी इगोर सिकोर्स्काई या फिर पोल कोर्नव, दोनों ही बोले जाते हैं इसके। सी एम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है? देखिए अभी तक राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। अभी वहाँ के लिए इलेक्शन की डेट आ चुकी है राजस्थान के लिए, बट अभी तक वहाँ सीएम कौन माना जाएगा? वसुंधरा राजे। आर्टिफिशियल रेन किससे की जाती है, क्या बोला जाता है उसको? आर्टिफिशियल रेन की जाती है रेन, जो आर्टिफिशियल बारिश होती है वो किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से। जो मूवीज वगैरह में बारिश दिखाई जाती है ना कि बारिश होती है, वो किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से। टेलीविज़न की रिमोट की रेंज कौन सी होती है, वो होती है टेलीविज़न की रिमोट की रेंज में कौन से होते हैं? इंफ्रारेड रेंज होती है। उसके अंदर वोटिंग इंक, जो हम वोटिंग करते हैं उसके अंदर हमारी उंगली पर जो निशान लगाया जाता है वो किस एलिमेंट का होता है या क्या चीज़ होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो निशान नहीं जा पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी का जन्मदिवस, ये सभी को पता है 2 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद लाफिंग गैस, ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये हम आपको इसलिए दोबारा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको आपका ध्यान बना रहे कि क्या पूछा गया है। DDT की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए पहले पूछा गया था इसका आविष्कार किसने किया, अब पूछा गया है DDT की फुल फॉर्म, तो वो कौन सी होती है? डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। जो फ्यूज वायर होती है वो क्या होती है? अलॉय ऑफ टीन एंड लेड। जो हमारी फ्यूज वायर घरों में यूज होती है वो क्या होता है? एलोय होता है किसका? टीन और लेड का। अब देखिए जो काली खांसी बोला जाता है जिसे, वो किससे होती है? वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जो भी डिजीज वायरस से होते हैं, ठीक है, जो भी डिजीज वायरस से होती है हम उन डिजीज का नाम और साथ में ये बताएंगे कि वो किस वायरस की वजह से होते हैं, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं चिकन पॉक्स से। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलाया जाता है? वो होता है वेरिकला जोस्टर वायरस। जो चिकन पॉक्स है वो किसकी वजह से होता है? वेरिकला जोस्टर वायरस। उसके बाद बात आती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। कौन सा होता है स्मॉल पॉक्स? वेरियोला वायरस से। उसके बाद कॉमन कोल्ड, जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाती है, देखिए कॉमन कोल्ड किससे होती है? इट इज कॉज्ड बाय रेनो वायरस। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है इसकी भी, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए मीजल्स। अब ये किससे होती है, इसका क्या होता है? मीजल्स वायरस होता है। पम्प्स के लिए भी, ये भी किससे फैलती है? पम्प्स वायरस से। रेबीज किससे होता है? इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस, जिसे क्या बोला जाता है? राब्दो विरेडई फैमिली। डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू वायरस होता है इसका। वायरल एनसेफेलाइटिस, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। क्या हो जाता है इससे? ब्रेन काम करना छोड़ जाता है। इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। किस किस से? रेबीज वायरस से, हर्पस सिम्प्लेक्स से, पोलियो वायरस से, मीजल्स वायरस से और JC वायरस से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करते हैं हम जो डिजीज कॉज्ड होते हैं, जो फैलते हैं किससे? बैक्टीरिया से। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से फैलते हैं, ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कौन सा होता है? वूपिंग कफ। देखिए वूपिंग कफ किससे होती है? कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बोर्डेटेला पर्टिसिज। उसके बाद है डाइफ्टीरिया, ये किससे होता है? कॉज्ड बाय कोरिन बैक्टीरियम डाइफेटेरिया। उसके बाद है कोलेरा, ये किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से होता है। लेप्रोजी किससे होता है? बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, उसके बाद है निमोनिया किससे फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया का वायरस कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद है टेटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनई क्लोस्ट्रीडियम
टेटेनी टाइफाइड किससे होता है, सलमोनेला टाइफाई, सलमोनेला टाइफाई बैक्टीरिया होता है इसका। ट्यूबरक्लोसिज ये किससे होता है, बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिज, इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिज। प्लेग ये किससे होता है, इट इज कॉज बाय यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस। देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस। देखिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंडिया के अंदर कितने रेलवे जोन हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर कितने रेलवे जोन है, 17। कर्नाटका का सीएम, कर्नाटका के सीएम कौन है, कुमार स्वामी, कुमार स्वामी। ओलंपिक 2016 है, ओलंपिक 2016 वाज हेल्ड इन, कब हुए थे, सॉरी कहाँ हुए थे, रियो दे जेनेरियो। सिक्किम के गवर्नर के बारे में भी पूछा जाता है, चलिए ये हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और वैसे भी आपको लास्ट में बता देंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है किस फील्ड में, क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड वाज गिवन टू हुम, किसे दिया गया था, जावेद अख्तर को, किसे दिया गया था, जावेद अख्तर। ये कब दिया, ये किस लिए दिया गया था, म्यूजिक कंपोजर, ये जो हृदयनाथ मंगेशकर थे ये म्यूजिक कंपोजर थे। एंड 28th एनिवर्सरी ऑफ हृदयदेश आर्ट्स, और ये कब था, 28th एनिवर्सरी के टाइम पर दिए गए थे, ठीक है। देखिए उत्तक क्या होता है, जो टीसी होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। अमल राज क्या होता है, कैसे बनता है, तीन भाग सांद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक अमल के और एक भाग नाइट्रिक अमल का मिश्रण अमल राज कहलाता है। लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर किया जाता है, हमारे लीवर के अंदर कौन सा विटामिन स्टोर किया जाता है, विटामिन ए। कलर ऑफ अर्थ वायर, देखिए कलर ऑफ अर्थ वायर कैसा होता है, ग्रीन। अब इसके साथ ही हम बाकी भी कर लेते हैं, अर्थ वायर कैसी होती है, ग्रीन। न्यूट्रल वायर कैसी होती है, ब्लैक। और लाइव वायर कैसी होती है, रेड, ठीक है। अब पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, द पीएच ऑफ साल्ट इज यूजुअली 7, कितनी होती है, 7 होती है। हम यहाँ आवर्त सारणी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे। देखिए जो 7 है वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, पीरियोडिक टेबल है ये, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, ये पीएच वैल्यू है, ठीक है। पीएच वैल्यू जो 7 से कम होती है, जो 7 से कम है वो सभी एसिडिक होते हैं पीएच में, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं, और 7 वाले क्या होते हैं, न्यूट्रल। देखिए अब कुछ एक एग्जांपल्स है पीएच कंडीशंस के, pH 2 गास्ट्रिक जूस होता है जो, उसका पीएच 2 होता है पीएच वैल्यू। टोमेटो जूस, उसकी पीएच वैल्यू 4 होती है। जो ह्यूमन यूरिन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, pH 5। और जो प्योर वाटर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्योर वाटर की 7। उसके बाद ह्यूमन ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। हैंड सोप जो हम यूज करते हैं उसकी पीएच वैल्यू 10 होता है, वो बेसिक होता है। और हाउस होल्ड ब्लीच, जो घरों में ब्लीच यूज की जाती है वो क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू 12। अब जो हमें यहाँ से पता चल रहा है, जो न्यूट्रल है उसकी वैल्यू 7, जो उससे कम है ये सभी एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा है सभी बेस। अब देखिए क्वेश्चन है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस एसिड अमल का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से आपका पीएच वैल्यू का टॉपिक साथ में कवर हो गया। देखिए हमारा कौन कौन सा हुआ है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, और अब हमारा एसिड बेस मींस पीएच वैल्यू का टॉपिक यहाँ कवर हो गया। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा बीपी होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है, कौन सी ग्लैंड करती है, अधिवृक्क, जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड होती है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद है हमारा डीएनए की खोज किसने की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए डीएनए के बारे में हम आपको सभी बता देते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज का श्रेय किसे जाता है, फ्रेडरिक मिशर को, जो 1869 में किया था इन्होंने। वाटसन एवं क्रिक 1952 ने हस्का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरे पूछ ही लिया जाता है ये, रोइंट जैन ने की थी एक्सरे की खोज, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस बोला जाता है इसे। चीफ ऑफ रा,
रा के चीफ कौन है? अनिल दसमाना। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना कहाँ की गई थी स्टार्ट? हरियाणा में गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका काम क्या है? गोबर से बायोगैस पैदा करने के लिए जरूरी व्यवस्था कर रही है गोवर्धन, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिको सीरीज में प्रियंका चोपड़ा, क्वांटिको सीरीज में कौन है? प्रियंका चोपड़ा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एलपीजी में इनमें से कौन सी गैस होती है, कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। इसके राइटर कौन है? नमिता गोखले। तेलंगाना का सीएम, तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। नेशनल गेम 2022 विल बी हेल्ड इन, जो नेशनल गेम होंगे 2022 वो कहाँ होंगे? देखिए जो अभी 2018 के हैं वो 4 नवंबर 2018 से 17 नवंबर 2018 गोवा में होंगे, और 2022 के हम आपको बाद में बता देंगे। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ रा? मार्स गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, कौन सी होती है? मीथेन होती है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम बीच में छोड़ रहे हैं वो जानबूझकर इसलिए कि हम आपको लास्ट में बता सके, इसलिए छोड़े जा रहे हैं। विच इंडियन एक्ट्रेस प्ले रोल इन क्वांटिको? प्रियंका चोपड़ा, जो भी हमने किया था, ठीक है। उसके कबड्डी मास्टर कहाँ हुई थी इस बार? कबड्डी मास्टर कहाँ हुई थी? दुबई में। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बार बार। फीफा 2018 में गोल्डन बूट, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? हैरी केन को। किस लिए मिला था? इन्होंने 6 गोल किए थे और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे मिला था? तिबोत कोर्टियस को, जो बेल्जियम से थे। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था? लुका मोड्रिक, जो कहाँ के थे? क्रोएशिया। देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। गोल्डन बूट किसे मिला था? हैरी केन को। गोल्डन ग्लव्स किसे मिले थे? तिबोत कोर्टियस को। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था? लुका मोड्रिक को, जो कहाँ के थे? क्रोएशिया के। अब देखिए उन्नति कार्ड स्कीम ये किसने स्टार्ट की है? उन्नति कार्ड स्कीम किसने स्टार्ट की है? एसबीआई ने, एसबीआई कार्ड उन्नति, ठीक है। आप जैसे कि हमने यहाँ लोगों भी दिखा रखा है उसका, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हीलियम आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा इसका मास नंबर क्या है, 4। और इसका कितने होते हैं हीलियम में? देखिए एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेल है जो वो कंप्लीट हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस बोला जाता है हीलियम को। उसके बाद प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? वो क्या होती है? अमीनो एसिड। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो से, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ मलेरिया इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डेंगू होता है वो होता है एडेस एजिप्टी से, एडेस एजिप्टी से। उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूटन। सूर्य के अंदर ऊर्जा किस प्रोसेस से होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फ्लावर के टॉप पे क्या होता है? देखिए आप यहाँ से हम आपको सारे पार्ट करवा रहे हैं फ्लावर के। सबसे ऊपर क्या होता है? पेटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जो साइड में है ये है टाइप्लॉयड, हैप्लॉयड, ठीक है। सबसे नीचे क्या है? रेकेपिटल्स। बीच में क्या होती है? ओव्यूल। और पिस्टिल में क्या क्या चीज़ें होती है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। और स्टेमन में क्या होते हैं? एंथर्स और फिलामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से आपको फ्लावर का कंप्लीट हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या? देखिए विटामिन सी के बारे में पूछा गया है, स्कोर्बिक एसिड होता है इसका नाम। अब हम क्या करते हैं, हम आपको ना विटामिन के सभी के नाम बताते हैं और फिर ट्रिक बताते हैं कि उनको आप कैसे याद कर सकते हैं विद देयर केमिकल नेम, ठीक है। अब विटामिन की बात आती है, सबसे पहले देखिए विटामिन ए, विटामिन ए, इसको इसके लिए ट्रिक हम आपको कंप्लीट एक बार बाद में कराएंगे, पहले आप देख लीजिए। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल, बी को थायमिन, सी को एस्कोर्बिक एसिड, डी को कैल्सिफेरोल, ई को टोकोफेरोल और के को फिलिकोनान, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, रथ पर एक टॉफी, इसकी ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी, रथ रह से क्या हो गया? रेटिनोल। देखिए रथ से आर से क्या बन गया? रेटिनोल। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल, बी को थायमिन, सी को ए एस्कोर्बिक, एक में से क्या आ गया? ए एस्कोर्बिक, डी को क्या बोला जाता है? कैल्सिफेरोल।
कैल्सेफिरोल, उसके बाद टोफी, टोफी का ई के लिए क्या होता है टोकोफिरोल, और के को फिलीक्वानोन। उसके बाद देखिए देखिए इस तरह हमारा विटामिन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हम साथ साथ चलते चलते जैसे अभी हमने पहले क्या किया था, बैक्टीरिया से डिजीज जो होते हैं सभी का नाम बताया, फिर वायरस वाले, फिर पीएच वैल्यू का टॉपिक हमारा कवर हुआ, अब हमारा क्या है विटामिन्स का टॉपिक भी कवर हो गया है। अब इस तरह हम आपको साथ में सारे के सारे टॉपिक जो मोस्टली आते हैं आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद है गोवा कब आज़ाद हुआ था, गोवा कब आज़ाद हुआ था 1961 के अंदर। टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब उसके बाद पूछा गया ओस्मियम का एटॉमिक नंबर, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपको, हम पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं, ये क्या है 76, ओस्मियम 19023, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, किसने की थी भाई कर्ल लैंड स्टेनर, किसने कर्ल लैंड स्टेनर। अब बात आ गई आरबीसी डब्ल्यूबीसी का की लाइफ स्पैन कितनी होती है। देखिए अब हम है ना यहाँ क्या करेंगे, आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच में डिफरेंस बताएंगे, आपकी सारी चीज़ें यहीं कवर हो जाएगी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से रिलेटेड। तो देखिए आरबीसी कैसी होती है अपीयरेंस में, बाय कॉनकेव होती है, सर्कुलर होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी कैसी होती है इरेगुलर शेप की होती है, और प्लेटलेट्स भी इरेगुलर शेप में होती है। अब ये साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ होती है इनकी, आरबीसी की कहाँ होती है बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी की कहाँ होती है लाइम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में, फैगोसाइट्स बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और प्लेटलेट्स कहाँ होती है हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है। उसके बाद है इनका लाइफ स्पेन, आरबीसी का कितना होता है 120 डेज, 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का एक दिन या उससे कम, प्लेटलेट्स का होता है 6 डेज, ठीक है। अब है प्रेजेंस ऑफ एचबी एंड न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता एचबी होता है जस्ट, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लिएटेड होता है और एचबी अब्सेंट होता है इसके अंदर, और प्लेटलेट्स में क्या होता है नो न्यूक्लियस, ना ही तो न्यूक्लियस होता ना ही एचबी होता, ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें अब्सेंट होती है। देखिए एक बार दोबारा से कर लेते हैं, आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की एक दिन या उससे भी कम, और प्लेटलेट्स की 6 डेज। और इसी तरह अगर बात की जाए एचबी और न्यूक्लियस की, तो आरबीसी के अंदर सिर्फ एचबी होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर होता है, और प्लेटलेट्स के अंदर दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी टॉपिक हमने कवर कर लिया, और आपको बड़ा ही इजी हो जाएंगे सभी टॉपिक्स इकट्ठे मिल जाएंगे यही एक ही वीडियो के। देखिए उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, वो देखिए हम आपको यहाँ दिखा देते हैं C3H8। देखिए यहाँ बीच में तीन बार C है और उसके H देख लीजिए, यहाँ काउंट कर लीजिए C3H8, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। कॉमनवेल्थ से ध्वजवाहक कौन थे, PV सिंधु, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टर ऑफ कैग, डायरेक्टर ऑफ कैग वो कौन है, राजीव महर्षि। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ओपी रावत। चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, शरद कुमार। उसके बाद स्पाइस जेट किसकी है, अब अजय सिंह के कौन है, इसके CEO है स्पाइस जेट। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आजकल जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड है, वो है जैवलिंग थ्रो। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा, कहाँ, आगरा में। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, वो होती है फैराड, क्या होती है कैपेसिटर की यूनिट, क्या कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है। नॉन स्टिक बर्तन में किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लोन का। नाटो वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कब हुई थी 1949। देखिए नाटो अब उसकी हम फुल फॉर्म कर लेते हैं, वो क्या है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच एक्ट्रेस वॉन पैटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018, ये किसे मिला था, अनुष्का शर्मा को। हु इज़ द विनर ऑफ इकोनॉमिक्स नोबल प्राइज 2017, वो कौन थे इकोनॉमिक्स नोबल प्राइज 2017, रिचर्ड टेलर। हरी माऊ मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज, ये किस में हुई थी, इंडिया और मलेशिया के बीच। उसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ टी बेंटिंग ने, और इसे बेंटिंग एंड वेस्ट भी कहा जाता है, बीसीजी में सी का मतलब क्या होता है, बीसीजी क्या होता है, बैकिलस क्लैमेट गोरिन, क्या होता है बैसिलस क्लैमेट
बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा जाता है D2O क्या होता है, D2O क्या होता है, मॉडरेटर होता है, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद गोवा के CM वो कौन है, मनोहर पारिकर। देखिए पहले पूछा गया था D2O क्या होता है, वो क्या होता है, मॉडरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो D2O है वो मॉडरेटर के साथ साथ क्या बोला जाता है, उसको हैवी वोटर बोला जाता है, ठीक है। गोवा के CM पूछा गया है मनोहर पारिकर। बोन्स में से पूछा जाता है कि बर्थ के टाइम पर बच्चों की हड्डियाँ कितनी होती है, वो कितनी होती है, ठीक है। उस वो क्वेश्चन आया, बोन से भी क्वेश्चन आता है जो इसमें देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बर्थ के टाइम पर कितनी होती है, 305 या 306 हड्डियाँ होती है, और उसके बाद कितनी रह जाती है बाद में, 206, ठीक है। वॉइस की पिच उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। DNA इज कम्पोज्ड ऑफ, DNA किस चीज़ का कम्पोजिंग होती है, वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। जो हमारा विटामिन ए होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर होता है। EEG की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रो इंसीफ्लोग्राम। उसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है इसको, ECG को। देखिए उसके बाद एक बार ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज फॉरवर्ड। हम क्या करते हैं, हम यहाँ तीनों लॉ ऑफ मोशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक सिद्ध में एक रूप गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक बाह्य बल द्वारा उसकी विराम अवस्था या गति अवस्था में कोई परिवर्तन न लाया जाए। दूसरा क्या है, आवेग के परिवर्तन की दर संवेग की अनुपाती होती है तथा वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। तीसरा है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखिए कैसे, थर्ड में क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रन ऑफ कच्छ इन विच स्टेट, वो किस में है, गुजरात में है। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये कौन है, अंशु प्रकाश। उसके बाद है, विच टीम वोन वुमेन वर्ल्ड कप 2017, विच टीम वोन वुमेन वर्ल्ड कप 2017। आयोजन इसका कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में किया जा रहा है, और इंग्लैंड ने जीत लिया था भारत को 9 रन से हराकर। इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था इसे भारत को 9 रन से हराकर। हु इज द कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल, इसमें कौन है, आकांक्षा सिंह या अमृतपाल सिंह। आकांक्षा सिंह है वुमेन्स टीम की और अमृतपाल सिंह किसके हैं, मैंस टीम के। थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इज इन विच पार्ट, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी होती है ब्रेन की वो किस पार्ट में होती है, वो होती है सेरिब्रम में। जो हमारे सेरिब्रम, याद रखिएगा सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद देखिए, दीपा कर्माकर किस स्टेट से है, वो किससे है, त्रिपुरा से। उसके बाद पूछा गया है नासा का हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC, जो कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और नासा की फुल फॉर्म हम आपको साथ में ही बता देते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ये होती है लीवर। हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। डायरेक्टर ऑफ बाहुबली, आजकल ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, SS राजा मौली। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, किसको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। उसके बाद है, हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, ओस्मियम को बोला जाता है हैवीएस्ट मेटल। बी सी रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है मेडिकल फील्ड के अंदर। ऑस्कर के लिए इंडिया की कौन सी मूवी भेजी गई थी, कौन सी भेजी गई थी, न्यूटन। शरीर का वजन अधिकतर किससे बना है, जो हमारी बॉडी होती है उसका मोस्टली जो वेट होता है वो किससे बना होता है, वो होता है वाटर से, किससे, पानी, ठीक है। बिहार के डिप्टी CM के बारे में पूछा जाता है, वो कौन है, सुशील मोदी। GST दिवस कब है, 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी होता है, GST दिवस भी 1 जुलाई को होता है और 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे होता है। दीपा कर्माकर किस स्टेट से है, त्रिपुरा। ग्रेट अमेरिकन विश बुक राइटर कौन है, सिंस। और दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है, अंटार्कटिका को। हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, दंत वलक को हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। दाद किसके कारण होता है, दाद किस वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, ठीक है। वैक्सीन की खोज किसने की थी, वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज। डायमंड स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, देखिए थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। उसके बाद पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, वो होती है जूल, ठीक है। उसके बाद निष्क्रिय गैस, नोबल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है ना ही ग्रहण करता है, इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है। नोबल गैस की संख्या कितनी है, छः है। कितनी है नोबल गैस टोटल, और कौन कौन सी है वो छः गैस, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। ये आवर्त सारणी के शून्य भाग वर्ग में पाया जाता है। चेनानी नासरी सुरंग उद्घाटन किसने किया, चेनानी नासरी सुरंग उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। युद्ध अभ्यास किसका नाम, किसका है ये, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला, कौन सी है, कंपाला। और रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली, क्या है, किगाली। अरुण जेटली क्या है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है। अरुण जेटली कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है। उसके बाद देखिए ये पूछा गया, अगर पावर 2D है तो कौन सा लेंस होगा, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। पशुपति किस भगवान को कहते हैं, लॉर्ड ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा को कहा जाता है पशुपति, ठीक है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, सिंधु नदी है, कौन सी है, सिंधु नदी। 2016 साउथ एशियन गेम्स, इंडिया, गुवाहाटी, शिलोंग। 2016 साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, इंडिया, गुवाहाटी, शिलोंग के अंदर, इंडिया में गुवाहाटी और वहाँ शिलोंग। एशियन गेम्स 2018 कहाँ, इंडोनेशिया के अंदर। एशियन गेम्स 2022 कहाँ होंगे, चाइना के अंदर। उसके बाद देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, 4000 का 54% की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज है तो लास्ट की दो जीरो काट दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 की 40 से, ठीक है। उसके बाद 6% की रेट से 814 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इन सब को करने का हम जस्ट आपको तरीका बताएंगे, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। 6% की रेट से 814 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे, 6% है ना 2 साल के लिए, तो 6 × 12, ठीक है, 6 × 12 हो गया, 12% निकाल दीजिए आप 812 का डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए और नंबर पूछा गया है, 71, 73, 77, 79, इनमें से और नंबर बताना है हमें। देखिए इनमें से और नंबर क्या होगा, देखिए इनमें से 71, 73, 77 और 79 में से ओड वन बताना है, तो बाकी सब है वो डिविजुअल नहीं हो सकते किसी से भी, बट 77 है वो डिविजुअल है, इसीलिए ओड नंबर क्या आ गया, 77। पेसमेकर का यूज बताना है, पेसमेकर का यूज किस लिए होता है, हार्ट बीट मेजर करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एशियन बॉक्सिंग 2017 कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान में, मैरी कॉम ने गोल्ड वन किया था, इसमें गोल्ड विन किया था, और 48 kg कैटेगरी के अंदर। आई की पावर, आई रियल और इमेजिनरी, इज अ रियल नंबर, इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 0.2078। मानव विकास मंत्री कौन है, मानव विकास मंत्री कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर। UIDAI के CEO कौन है, अजय भूषण पांडे, कौन है, अजय भूषण पांडे। चेयरमैन कौन है, जे सत्यनारायण। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए इसके CEO कौन है, अजय भूषण पांडे। चेयरमैन कौन है, जे सत्यनारायण। इन्फोसिस के सीईओ कौन है, सलील पारेख। SBI के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, 4, 8, 12, 16, 20 नेक्स्ट क्या होगा, 4 × 8, 4, 3 जा सभी में, या तो 4, 4 ऐड कर दीजिए या 4 की टेबल से कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 24। टाटा के चेयरमैन पूछे गए हैं 2016 में, देखिए हम क्या करते हैं, टाटा के चेयरमैन के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हम इसकी कंप्लीट डिटेल कर ही लेते हैं। टाटा के जितने भी चेयरमैन हैं उनके बारे में देखिए, जमशेट जी, नसरुन वान जी टाटा, ये कब से, 1868 से 1904 तक। उसके बाद सर डोराब टाटा, ये कब से, 1904 से 1932 तक। उसके बाद नोवरोजी सकलाटवाड़ा, ये कब थे, 1932 से 1938। JRD टाटा, ये कब थे, 38 से 91। और रतन टाटा, ये कब से कब तक रहे, 1991 से 2012 तक। उसके बाद है सिरस प्लोंजी मिस्त्री, ठीक है, वो कब रहे, 2012 से 2016 तक। और रतन टाटा फिर दोबारा से 2016 से 2017। अब कौन है प्रेजेंट में, नटराजन
चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वाटर। पृथ्वी पर वजन इतना है, मून पर कितना होगा? पृथ्वी पर अगर कोई भी किसी चीज़ का वेट है वो मून पर कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा उसका 1/6 रह जाता है। मीन्स अगर 60 kg है पृथ्वी पर तो चांद पर कितना रह जाएगा, वो जस्ट 10 kg। रैबिज, रैबिज किसकी वजह से होता है, वो डॉग बाइट की वजह से, या लूसियस पास्कर ने इस, लूसियस पास्कर इन्होंने क्या किया था इसके लिए इंजेक्शन, लुईस पास्चर इन्होंने क्या किया था, रेबीज का इंजेक्शन इन्वेंट किया था। पीएच स्केल देखिए, इसमें पीएच की रेंज क्या होती है, जो एसिडिक होते हैं उसकी कितनी होती है, 0 to 7, और जो 7 से अबोव रह गए वो क्या होते हैं, एल्केलाइन, और बीच में क्या बच गया 7 पर, न्यूट्रल। इंडिया के फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अंबेडकर। सिंधु घाटी में किसकी पूजा की जाती थी, वो की जाती थी पशुपति की। जो जिला दर्रा कहाँ है, जो जिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद गति का, न्यूटन सेकंड लॉ पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, गति का प्रथम नियम क्या था, जड़त्व का, लॉ ऑफ इनर्सिया। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड देखिए, सेकंड में क्या था, वस्तु के संवेग, मोमेंटम में परिवर्तन की दर, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मीन्स रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आर्कमिडीज का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है, जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में, लिक्विड में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उसके बाद है डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, कितना होता है, 24.4। लिटमस का पीएच पर इफेक्ट, अगर ब्लू रेड है, अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो एसिड बन जाएगा, और बेस कब, जब बेस से क्या, कब होता है, जब रेड से ब्लू हो जाए, मींस ब्लू से अगर रेड हो गया तो वो क्या है, एसिड, और अगर रेड से ब्लू हो गया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेस। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। उसके बाद देखिए, गोली चलने पर पीछे झटका क्यों लगता है, न्यूट्रन थर्ड लॉ की वजह से, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन 01827, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो आंसर क्या हो जाएगा, 64। उसके बाद है टिस्को के सीईओ कौन है, टीवी नरेंद्रन, क्या है टीवी। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। वैक्सीन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। और वोल्टमीटर का नाम क्या होता है, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ करंट, वो क्या होती है, एम्पियर। देखिए, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपिस, ठीक है। यह हमने डायग्राम दिखाया हुआ है आपको इससे रिलेटेड फिगर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी हम आपको ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे देखिए आगे क्या है, ये है सेरिब्रम, ठीक है। सबसे नीचे क्या है, टेम्पोरल लोब, उससे नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और इस साइड ये पार्ट दिखाया हुआ है सेरिब्लम, उसके ऊपर ओसिपिटल लोब, और उसके ऊपर पेरिएटल लोब, ठीक है। और वो क्या होता है, फ्रंटल लोब, जो आपको ये ऊपर दिखाई गई है, ये हमारा कंप्लीट ब्रेन का डायग्राम है। उसके बाद देखिए, अब देखिए अब करते हैं हम सेल से रिलेटेड, पावर हाउस ऑफ सेल पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। यहाँ देखिए हमने एक सेल का कंप्लीट डायग्राम आपके लिए दिखा रखा है, उसमें सारे पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर देखिए वैक्यूल्स होती है, फिर राइबोसोम्स, ये नीचे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ दिखाया हुआ है। उसके बाद देखिए ये क्या होते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये बाहर वाला हिस्सा है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, जो आपको अलग से ही दिखाई दे रही है। साइटोप्लाज्म, जो ये साइड में लिक्विड होता है। न्यूक्लियोलस, ये रहा बीच में, और इसके साइड में ये क्या है, पूरा न्यूक्लियस है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद है सेंट्रियोलेसिज, और ये क्या है, माइक्रोविलेई, ये क्या है, माइक्रो। देखिए उसके बाद क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, इसमें से राइबोसोम्स को, ठीक है। मर्करी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका इसे क्या बोलते हैं, Hg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। अब कार्बन के एलोट्रोप्स पूछे गए हैं, एलोट्रोप्स मतलब बहुरूप, वो कितने होते हैं, 8 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, जिनमें से क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, लॉन्स डिलेट, C60, फुलरेन बोला जाता है जिसको, C540 फुलरेन, और उसके बाद है अमोरफोस कार्बन, उसके बाद है कार्बन
नैनोट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन पार्ट इन फ्लावर। देखिए इसका हम आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे देखकर आपको पता चल जाएगा। स्टेमन, ठीक है, ये क्या रहा, स्टेमन के साथ क्या होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। साइड में क्या होती है पेटल्स, नीचे क्या होता है रेसी पेटल, और ये बीच में क्या है ओव्यूल, ठीक है। जो ये साइड में होते हैं ये क्या है सेपल्स। अब देखिए ओव्यूल के ऊपर क्या है ओवेरी, यहाँ उसके ऊपर स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा। ये कार्पल के अंदर तीनों पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टेमन के अंदर आते हैं एंथर और फिलामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, रहने दीजिए, राइज ऑफ शिवगामी बुक रिटन बाय आनंद नील कंठम, किसके द्वारा, राइज ऑफ शिवगामी बुक रिटन बाय आनंद नीलकंठम। अब देखिए कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम साथ में आपको करवा रहे हैं। कार्बन क्या है, कार्बन क्या एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या कितना होता है, ये कितना होता है 334 केल्विन। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, किसमें, मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर के अंदर। निम्न में से कौन जल में अविलेय है, कौन सा है एथाइन अविलेय होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है अपरूप, जो हमने अभी किया था, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है, वो किससे बनता है इथेन से बनता है, किससे बनता है इथेन से। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है ग्रेफाइट का। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेन विच सर्व्स एज रिले स्टेशन बिटवीन बॉडी एंड सेरिब्रम, वो कौन सा है, थैलेमस। इन ह्यूमन रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज, क्या होता है मिड ब्रेन होता है ऐसा। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, देखिए ब्रेन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, वो क्या होता है सेरिब्रम, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इन, वो किस, ह्यूमन ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद है अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन्स इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, ये किससे होता है एसिटाइक्लोरीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, कौन सा है पेरिस्टेलाइसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसिडर्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ग फॉर ईटिंग आर कंटेंट इन, वो कौन सा होता है हाइपोथैलेमस। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इंड्यूसिज, किसे, हार्ट बीट को ये रिड्यूस करती है, इंड्यूसिज करती है। और उसके बाद देखिए व्हाट कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, कौन सा कॉर्पस क्लोसम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इमोशनल एक्सपीरियंसिज, वो क्या होता है लिम्पिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ब्रेन। उसके बाद देखिए ओडिशा के गवर्नर कौन है गणेशी लाल, यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होती है वोल्ट। अब देखिए पूछा गया बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो हम क्या करते हैं जो एयरपोर्ट्स हैं उनके हम साथ में आपको ये बता देते हैं वो कहाँ कहाँ हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये मुंबई के अंदर। उसके बाद है कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। उसके बाद पूछा गया है ओला के सीईओ, देखिए सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं आपको कंप्लीट सीईओ बता देते हैं मोस्टली कंपनीज के, ठीक है। ओला कैब्स के सीईओ कौन है, भावीस अग्रवाल, 3 दिसंबर 2010 को थे ये। उसके बाद है उबेर के सीईओ दारा खुसरोशाही, ठीक है। उबेर के सीईओ कौन है, दारा खुसरोशाही। उसके बाद देखिए पेटीएम के फाउंडर कौन है, पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, अजय पाल सिंह बैंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद है व्हाट इज मेनली डायनामाइट, क्या होता है डायनामाइट, नाइट्रो ग्लाइसरीन होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है ये। प्लांट के किस भाग से बीज बनता है, वो बनता है ओवेरी से। उसके बाद पूछा गया अकबर के नौ रत्न, देखिए अकबर के नौ रत्न हम आपको बता देते हैं कौन है, अबुल फजल, फैजी, मियान तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजियाउद्दीन, मिर्जा अजीज कोका। उसके बाद दीन इलाही किसने स्टार्ट किया, ये किसने किया था, अकबर ने। पीएच वैल्यू ऑफ द टीयर्स, आंसू का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है, ठीक है। टाइप ऑफ एनर्जी इन ड्राई सेल कौन सी यूज होती है, केमिकल एनर्जी इसके अंदर यूज। देखिए नोकिया के सीईओ कौन है, राजीव सूरी, हम आपको यही बता देते हैं नोकिया के सीईओ कौन है, राजीव सूरी। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला ये किसने लिखी थी, अमीश त्रिपाठी, बड़ी ही फेमस बुक है ये। उसके बाद देखिए इन्होंने इसके अलावा अमीश त्रिपाठी ने कौन कौन सी बुक लिखी है, देखिए एक तो थी ये सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण
ओरपियन ऑफ आर्यवर्त, उसके बाद मेलुहा नागाज भी इन्होंने ही लिखी थी, और वायुपुत्रा भी अमीश त्रिपाठी जी ने ही लिखी थी। ये सभी बुक्स इन्हीं की दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फीमेल पार्ट कॉल्ड द पिस्टिल, क्या बोला जाता है इसको, पिस्टिल बोला जाता है फ्लावर के पार्ट को, ठीक है। उसमें देखिए पिस्टिल में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल। और यहाँ दिखाया गया है स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद देखते हैं अभी हम ग्रैमी अवार्ड 2017 विच इंडियन वोन, किसने जीता है ग्रैमी अवार्ड 2017, किसने, संदीप दास ने, संदीप दास ने, फेमस तबला प्लेयर वोन बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम विद यो मा एट द 59th ग्रैमी अवार्ड्स। ये हम यहाँ देखिए आपको दिखा रखा है साइड में इनकी पिक, किसकी, संदीप दास जी की। उसके बाद देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस इज इक्वल टू द वर्क डन फॉर एन और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू द डिवाइसेज। यहाँ V क्या होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में मापा जाएगा, W क्या होता है वर्क डन जिसे जूल में मेजर किया जाएगा, और Q क्या होता है चार्ज मूव्ड इन कोलम्बस। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई क्यू, और क्यू को क्या लिख सकते हैं W बाय V। वन वोल्ट इक्विलेंट होता है 1 जूल पर कुलाम के, ठीक है। उसके बाद है फ्लिपकार्ट के CEO, ये कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति, कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। रामनाथ कोविंद किस से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू स्टेट उत्तर प्रदेश, रामनाथ कोविंद कहाँ से है, उत्तर प्रदेश। अब बात किसकी है, रणजी ट्रॉफी की, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, कब हुई थी ये, 6 अक्टूबर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक इसके मैच हुए थे, किसने, BCCI ने कंडक्ट की थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट है ये, ठीक है, और टूर्नामेंट क्या था, राउंड रॉबिन देन नॉकआउट। उसके बाद होस्ट किसने किया था, इंडिया ने, इसके चैंपियन कौन थे, विदर्भ, फर्स्ट टाइटल किसे मिला था, किस टीम को मिला था, विदर्भ को। रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं बनता, विटामिन के की कमी से, अगर विटामिन के की कमी है तो आपके रक्त का थक्का। दिल्ली देयर डेविल्स ओनर कौन है, GMR ग्रुप, GST के ब्रांड एम्बेसडर, देखिए GST के ब्रांड एम्बेसडर जैसा आपको देखने से ही पता चल गया कौन है, अमिताभ बच्चन, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए 40% ऑफ 256 पूछा गया है, तो 40% 256 का हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट 4/10 कर देंगे। आर अश्विन टेक्स 300 विकेट्स एट विच ग्राउंड, कहाँ, नागपुर में लिए थे इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। वोट देते समय कौन सी स्याही लगाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, वो कितना होता है, C6H12O6। देखिए अब क्या है, DDT की फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एल्यूमिनियम सल्फेट का pH एसिड है या बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है बिजली से लगी तार को आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, फोम या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, वो कौन है, निर्मला सीतारमन, उनकी हमने यहाँ आपको एक पिक दिखा रखी है। विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव कौन है, विजय गोखले। संघाई कहाँ मनाए जाता है, कहाँ संघाई कहाँ मनाए जाते हैं, ये कहाँ है, मणिपुर, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, CSIR के द्वारा साइंस में, CSIR देता है इसे, किस फील्ड में, साइंस में। सगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। चाइनीज ट्रेवलर नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन आया था, ह्यूनसांग। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप 2016 जूनियर किसने जीता, इंडिया ने। एनीथिंग बट खामोश बुक किसके द्वारा रिटन है, किसने लिखी थी, स्त्रुघ्न सिन्हा ने, ठीक है, ये बड़ी ही फेमस बुक है इनकी। देखिए यहाँ अब क्या है, ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स बताए गए हैं कैसे वर्क करता है ये। देखिए चार चैम्बर होते हैं इसके अंदर, लेफ्ट आट्रियम, राइट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो डाउन थ्रो द, देखिए राइट आट्रियम से कहाँ जाएगा, टू द राइट वेंट्रिकल, देन टू लेफ्ट आट्रियम, देन टू लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले राइट आट्रियम से चलकर राइट वेंट्रिकल तक जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट आट्रियम में, और उससे कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। pH चेंजेस कैसे पता चलेंगे हमें, कैसे पहचान पाएंगे हम, लिटमस पेपर की वजह से। देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद है बोरेक्स का फॉर्मूला, वो क्या है, Na2B4O5OH4.8H2। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किस देश के साथ मिलकर बनाने जा
बढ़ाने जा रहा है इंडिया, वो किसके साथ? जापान के साथ। किस कंट्री के साथ? जापान। देखिए पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि विटामिन B5 से डिजीज कौन से होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस विटामिन से जो भी रोग होते हैं हम आपको सभी बता देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी। विटामिन B2 से क्या होता है? एरिबो फ्लेविनोसिज। विटामिन B3 से प्लेग्रा। विटामिन B5 से पैरेस्थेसिया। उसके बाद विटामिन B6 से एनेमिया। विटामिन B7 से ड्रमेटिटिज और एंट्रिटिज। उसके बाद विटामिन B9 और B12 से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक। उसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी या फिर स्वेलिंग ऑफ जर्म्स। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की वजह से क्या होता है? लेस फर्टिलिटी आती है। किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। विटामिन के की वजह से क्या हो जाता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसे क्या कहते हैं? रक्त का थक्का न जमना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर पूछे गए हैं, वो कौन है? नरेंद्र नाथ वोहरा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? नरेंद्र नाथ। देखिए लेकिन ये कब चेंज हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर पहले थे नरेंद्र नाथ वोहरा, अब कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये कब चेंज हुए थे? ये हुए थे अगस्त में, 23 अगस्त 2018 को। 23 अगस्त 2018 को चेंज होकर सत्यपाल मलिक जी बन गए थे इसके गवर्नर। उसके बाद देखिए फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ था? विल बी द 18th एडिशन ऑफ फीफा। ठीक है, 18th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। द टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय पेरू बिटवीन 5 and 27 अक्टूबर 2019। वर्ल्ड वार टू विच गैस रिलीज, वर्ल्ड वार टू के अंदर कौन सी गैस रिलीज की गई थी? मस्टर्ड गैस। आर अश्विन टेक 300 विकेट्स, कहाँ ली थी इन्होंने? नागपुर में। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017। ठीक है, ये इसके विनर कौन थे? ये इंडिया में हुआ था और इसके विनर कौन थे? इंग्लैंड की टीम। ठीक है, GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। AICTE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इसके CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्रबुद्धे। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। उसके बाद है 4000 का 17% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आउटलुक स्पीक आउट अवार्ड 2017 किसे मिला था? नवीन पटनायक। ये कौन थे? ओडिशा के CM। PM नरेंद्र मोदी अनिविल्स 112 फुट शिवा स्टैचू इन कोयम्बटूर। ये 112 फुट का शिव का स्टैचू कहाँ किया था? कोयम्बटूर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए बुक है ऑन माई टर्म्स, ये किसने लिखी थी? शरद पवार ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेम ऑफ गूगल CEO वो कौन है? सुंदर पिचाई। उसके बाद मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। कब से? सिंस 2008। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स कैन योर बॉडी सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन? कितने होते हैं वो? वो होते हैं 9। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, ट्राइप्टोफेन, मिथियोनाइन, फिनाइलेलाइन और हिस्टिडाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए तो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए इसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी मतलब कमी की वजह से क्या क्या होता है? बेरी, वर्निक्स सिंड्रोम। उसके बाद विटामिन B2 की वजह से एरिबोफ्लेवियोनिस, ग्लोसिटिस, एंगुलर स्टोमेटिसिस। विटामिन B3 की वजह से प्लेग्रा। विटामिन B5 की वजह से पेरिस्थीसिया। विटामिन B6 की वजह से एनेमिया और पेरिफ्रल न्यूरोपैथी। फोलेट की वजह से देखिए मेगालोबस्टेटिक एनेमिया एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट्स सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। उसके बाद विटामिन सी की वजह से कौन सा होता है? सकर्वी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजडी गैस नेम क्या था? MIC बोलते हैं इसको, कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? राजनाथ सिंह। 1 HP कितने के इक्वल होता है? 1 horsepower इक्वल होता है 746 वाट के। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? सभी को पता है 100 MB। कौन सी ऐप थी ये? 100 MB है ऐप का नाम। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन हेड कौन है? शेखर वासु। लास्ट मुगल कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, ये लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर टू, इनको जफर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब इनकी डेथ हुई थी? प्रिजन के अंदर हुई थी, बर्मा में।
कैदी किधर रह रहे थे, ये वर्मा के अंदर 1862 में। शिव थापा किस खेल से संबंधित है, ये किससे है, बॉक्सिंग से। गुरिंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, ये हमें पता है हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद से कौन अभिनेता से नेता बने, प्रेस रावल है इसका आंसर। हृदयनाथ पुरस्कार किसे मिला था, जावेद अख्तर, ये भी आया था पहले। 2016 हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसे मिली थी, ऑस्ट्रेलिया को, इसका विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए पेप्सी को के सीईओ कौन है, इंदिरा नुई। स्पॉन्सर ऑफ मेल क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर कौन है, ओप्पो। डायमंड सिटी ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है, गुजरात की डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, सूरत को। मिनिस्ट्री ऑफ शिवसेना इन कैबिनेट वो कौन है, दिवाकर रायोट, ये कौन है, पॉलिटिकल लीडर है। उसके बाद देखिए 2016 ओलंपिक सिल्वर मेडल बैडमिंटन किसे मिला था, पीवी सिंधु को। 2016 का ओलंपिक सिल्वर मेडल बैडमिंटन किसे मिला था, पीवी सिंधु को मिला था। ये कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु। हरियाणा के गवर्नर देखिए पहले थे कप्तान सिंह सोलंकी, अब ये चेंज हो गए, ये कौन है, अब देवव्रत। अब तेलंगाना फॉर्मेशन कब हुई थी, 2014 में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, पीएम मोदी। उसके बाद सिलेक्शन डे बुक ये किसकी है, अरविंद अडिगा। उसके बाद है हार्डेस्ट एलिमेंट वो कौन सा है, डायमंड। सभी को पता है हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, डायमंड। खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस किन गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन व ब्यूटेन का। अब देखिए कौन सी गैस का क्लोरीन मान सबसे अधिक होता है, किस गैस का होता है, मीथेन का। घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस किस अवस्था में होती है, सभी को पता है ये लिक्विड अवस्था में होती है। अगर एलपीजी के रिसाव का पता लगाना है उसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन, जिसे क्या बोलते हैं, इथेन थियोल। इसी की वजह से हमें अगर गैस लीकेज हो रही है तो हमें गंध आती है और वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है तो हमें पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। उसके बाद किस ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। बायोगैस संयंत्र में गोबर द्वारा निकाली हुई गैस कौन सी होती है, ये कौन सी गैस होती है, मीथेन। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है कांच व इस्पात उद्योग में किस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये किसको किया जाता है, प्रोड्यूसर गैस को, ठीक है। और वो प्रोड्यूसर गैस में ईंधन कौन सा, ईंधन का काम कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आप दोनों ध्यान रखें। उसके बाद है इप्सम साल्ट फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। हाफ बॉयफ्रेंड नोवल के राइटर है जूडी बालन, कौन है, जूडी बालन। आप इसका लोगो भी यहाँ देख सकते हैं, उसका फ्रंट पेज यही था। अब देखिए पूछा गया है फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें होते हैं 5। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा 15, तो कितना बन जाएगा, 2, 8 और 5 क्या बन जाएगा, रिमेन, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। अब देखिए मैलिएबल मटेरियल पूछे गए, एक टेबल दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसको मटेरियल्स को ऑर्डर में लगा लेंगे मैलिएबिलिटी। तो सबसे पहले क्या आएगा, गोल्ड, उसके बाद आएगा सिल्वर, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर के बाद टीन के बाद लेड के बाद स्टील। ये सभी मैलिएबिलिटी के बेस पर है इनका सभी का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, CO2, ठीक है। और यूज योर कोड्स व्हाट इज इट, देखिए कंपाउंड, इट कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट बॉन्डेड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दी एटम्स आर बाउंडेड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है साक्षी मलिक कहाँ की है, ये हरियाणा में। देखिए इन्होंने 2016 में मेडल लेकर आए थे ये इंडिया के लिए, कहाँ जीते, ये इनकी बॉर्न डेट क्या है, 3 सितंबर 1992, और ये है मोखरा विलेज है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो किसमें है, हरियाणा स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए आसाम के चीफ मिनिस्टर ये कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल, और ये किस पार्टी से है, ये है BJP से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है गुप्त डायनेस्टी, इसमें क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, देखिए इसके बारे में हम गुप्त वंश के बारे में सब कुछ बताएंगे जितना एग्जाम में आने लायक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ कौन थे, देखिए आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी, ये थी संस्कृत। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ये देखिए सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गुप्त वंश का वह शासक जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो कौन था, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, ये कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों का संबंध किससे है, गुप्त काल से है।
अजंता चित्रकारी कौन से धर्म से संबंधित है? यह किससे है? बौद्ध धर्म से। अब देखिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्यालय कौन सा था? उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्यालय नालंदा था। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का सवर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का सवर्ण काल कहा जाता है। फाहयान कहाँ का रहने वाला था? ये सभी को पता, ये कहाँ का था? चाइना, चीन का रहने वाला। गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को दिनार बोला जाता था। स्त्रियों की स्थिति किस युग में पुरुषों के बराबर थी? गुप्तकाल में। किस काल में? गुप्तकाल में। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? वो कौन सा हुआ था? गुप्त वंश। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? वो कहाँ है? बाघ धार, जगह का नाम क्या है? धार, और वो है कहाँ? MP, मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी गुप्त वंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए, फिर भी हम एक बार और इनको रिवाइज करवा देते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान महान खगोल वैज्ञानिकों और गणितज्ञ कौन थे? ये कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सभी को पता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह शासक जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए, हमने पहले भी किया था, ये किसके लिए थे? कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है, अजंता कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देखिए, ये हम किस लिए कर रहे हैं कि आपको दोबारा से क्वेश्चन एक बार रिमाइंड हो जाए। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? ये कौन सा था? नालंदा। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। भारतीय संस्कृति का सवर्ण काल कहा जाता है किसे? गुप्त काल को। फाहयान कहाँ का रहने वाला था? ये कहाँ का रहने वाला था? चीन का। कहाँ का रहने वाला था? चीन का। उसके बाद गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसे बोलते थे दिनार। स्त्रियों की स्थिति किस युग में पुरुषों के बराबर थी? किस में थी? वो गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा हुआ था? गुप्त वंश। उसके बाद अजंता की गुफाएं कहाँ है? ये कहाँ है? बाघ, जिसको धार बोला जाता है, और कहाँ है ये? MP के अंदर। टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? नटरंजन चंद्रशेखरन। CEO of TCS राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक रिटन वाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये शशि थरूर ने लिखी थी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर। उसके बाद है ESPN 100 विच बेस्ट प्लेयर, किसे बेस्ट प्लेयर माना गया था? उसे माना गया था जेम्स वाइजमैन। किसे? जेम्स वाइजमैन को। उसके बाद पूछा गया पैरालंपिक 2016 एट विच प्लेस, ये कहाँ हुए थे? रियो, जिसे क्या कहा जाता है? रियो ओलंपिक 2016। पैरालंपिक्स कहाँ हुए थे? रियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट R स्टैंड्स फॉर, किसके लिए होता है? ये रेजिस्टेंस के लिए। वेयर डज एम्ब्रियो डेवलप्स, कहाँ होती है ये? ओवेरी। उसके बाद देखिए डैश इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, डैश इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। कौन है? RBC। कौन होते हैं? RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये उसी का डायग्राम दिखा रखा है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स कहाँ जाती है? RBC से ऑक्सीजन रिलीज टू सेल्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। उसके बाद है वास्को डी गामा कैलिकट किस ईयर में आया? वास्को डी गामा कप्पड़ पर कैलिकट के निकट 20 मई 1498 को भारत में आया था। लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन। UN बिजनेस एडवाइजर क्या है? इंडियन ओरिजिन से है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये कौन है? श्री एम थम्बीदुरई। ये क्या है? सोलहवीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन वाज इलेक्टेड एज स्पीकर। ये क्या थी? स्पीकर चुनी गई है ऑन 3 जुलाई 2014 एंड इट्स सेकेंड वुमेन स्पीकर एंड श्री एम थम्बीदुरई एज द डिप्टी स्पीकर। और एम थम्बीदुरई क्या है? सेकेंड, ये क्या है? डिप्टी स्पीकर। संतोष ट्रॉफी 2017 विनर, वो कौन सी है? केरला
बीट बंगाल टू विन संतोष ट्रॉफी, केरला जीत गई है ये विनर, और किसे हराया था, बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है केरला ने। उसके बाद है उड़ता पंजाब फिल्म की थीम की क्या है, इसकी थीम बेस है ऑन ड्रग एब्यूज। उसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड सिटी गोल्ड कोस्ट, कहाँ है ये, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का 15 अप्रैल 2018 को समापन हुआ था, ठीक है, गोल्ड कोस्ट 2018। अब है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसके बाद है हमारा हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, टिहरी डैम, टिहरी बांध बोला जाता है इसे, इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड 8th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है ये, ये कहाँ है, भागीरथी नदी पर है, नियर टिहरी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर है। इंडिया, इट इज़ अ मल्टीपर्पज रॉक, ये क्या है, मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फील एम्बेकेटेड डैम, इट इज़ द प्राइमरी डैम ऑफ द टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड द टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के गवर्नर कौन है, वज्जू भाई वाला, कौन है, वज्जू भाई वाला, कब से, 1 सितंबर 2014 से। विप्रो के सीईओ के बारे में पूछा गया है, ये कौन है, अभिदाली नी मुचवाला, अभिदाली नी मुचवाला, ये कौन है, विप्रो के सीईओ। उसके बाद पूछा गया त्रिपुरा के सीएम, ये कौन है, विप्लव कुमार देव, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका कब आज़ाद हुआ, अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776, कब, 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। बिहार के गवर्नर, अब देखिए बिहार के गवर्नर हम आपको बता देते हैं, रामनाथ कोविंद कब बने थे, 16 अगस्त 2015 से कब तक रहे, 20 जून 2017। उसके बाद केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 20 जून 2017 से 29 सितंबर 2017। उसके बाद सत्यपाल मलिक ये 30 सितंबर 2017 से 23 अगस्त 2018 तक रहे। फिर सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के राज्य गवर्नर बन गए। उसके बाद अब बिहार में कौन है, अब बिहार के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से अब तक, ठीक है। उसके बाद मुंबई इंडियंस टीम के बारे में पूछा जाता है, तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, कोच कौन है, महिला जयवर्धने, और इसके ओनर के बारे में पूछा जाता है, ओनर कौन है इसके, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, जो दोनों कहाँ से है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से। उसके बाद फर्स्ट 300 इन क्रिकेट किसने, रोहित शर्मा ने किए है, फर्स्ट 300 इन क्रिकेट रोहित शर्मा ने, मिस वर्ल्ड 2017 वो कौन है, मानुषी चिल्लर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, एडोब के सीईओ कौन है, शांतनु नारायण। उसके बाद नेक्स्ट देख, एंडेस माउंटेन ये कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर, कहाँ है ये, साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन ये कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द ओनर ऑफ KKR टीम इन IPL 2018 के अंदर, कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर कौन है, शाहरुख खान एंड जूही चावला। उसके बाद हु इज़ द करंट CM ऑफ तमिलनाडु, वो कौन है, EK पलानी स्वामी। हु इज़ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे गए हैं, वो कौन है, उषा आनंद सुब्रमण्यम। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक के चेयरमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र बत्रा। हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, बलराम दास टंडन। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय होम, ये किस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। हु गोट फर्स्ट भारत रत्न ऑफ इंडिया, सी राजगोपालचारी अवार्डेड द भारत रत्न इन 1954। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, किस नदी पर है ये, महानदी पर, और ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैनिटरी नैपकिन पर GST हटा दिया गया है, पहले कितने प्रतिशत रेट था, देखिए आप 3 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन आपके सामने है, आप इनमें से खुद देखिए कि आपको कौन सा लगता है, उसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन पर GST हटा दिया गया, पहले कितने प्रतिशत था, इसके ऑप्शन है 5%, 12%, 18%, 28%। इसका आंसर क्या आएगा, 12%, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बी, ठीक है।
उसके बाद जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक की अध्यक्षता अभी वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने की, ठीक है। इसमें क्या क्या था, सैनिटरी पैड्स, राखियां बहुमूल्य रत्नों से न बनी हो, संगमरमर से बनी मूर्तियां, झाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, साल के पत्ते, इन सभी पर क्या हुआ था, इन सभी के बारे में जीएसटी में इस बार बैठक हुई थी। जीएसटी 12 से घटाकर 5% किस किस पर किया गया है, हैंडलूम दरी पर, फॉस्फेरिक एसिड युक्त उर्वरक पर, बुनी हुई टोपिया जो 1000 रुपये से कम कीमत की है। किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप अपने आप पहले सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इनमें से क्या होगा, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारत में वस्तु सेवा कर मीन्स जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था किसने, विजय केलकर समिति ने। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर आपको पता है तो पहले आप ट्राई करें, नहीं तो फिर हम बताते, असीम दास गुप्ता, कौन थे, असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितनी है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, कितनी है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है, आसाम। भारत का एकमात्र राज्य है जहां जीएसटी बाद में लागू हुआ, भारत का एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जहां जीएसटी बाद में लागू हुआ, देखिए सबसे पहले कहां हुआ, आसाम में, और सबसे लास्ट में कहां हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर। ध्यान रखिएगा जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य आसाम था और सबसे लास्ट में लागू करने वाला जम्मू कश्मीर, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं जीएसटी नंबर में, 15, कितने होते हैं, 15। सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत काम का है, सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू हुआ था, वो हुआ था फ्रांस के अंदर 1954 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हमारा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, भारत में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, हमारे वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया, सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया, सन 2000 में, कब हुआ था, सन 2000 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठबंधन किया गया था, गठन किया गया था अनुच्छेद 279A के तहत, अनुच्छेद 279A। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है वो, 33। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया वो कौन सा था, 122वां। जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार शेष की संख्या क्रमशः है 17 अप्रत्यक्ष कर है उसके अंदर और 23 क्या है, अधिभार कर, ठीक है, 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार। जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया, राज्यसभा ने कब किया था, 3 अगस्त को 2016 को, और लोकसभा ने कब किया था, 8 अगस्त 2016 को। उसके बाद जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है, कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए। उसके बाद है राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% 100% भरपाई करेगा। ये देखिए रूल बनाया गया है कि 5 वर्षों तक क्या होगा, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को जीएसटी से होने वाले नुकसान के पैसे देगी, मीन्स जो भी कर में उन्हें नुकसान होगा वो सारा। अब देखिए जीएसटी के प्रकार है, जीएसटी के 3 प्रकार है, कौन कौन से, SGST, CGST, IGST, ठीक है। अब देखिए जीएसटी क्या होता है, गुड सर्विसेज टैक्स, SGST क्या होता है, स्टेट टैक्स, CGST सेंट्रल टैक्स, और IGST ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। जीएसटी किस प्रकार का कर है, देखिए बहुत ही काम का क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार के कर में आता है, ये आता है अप्रत्यक्ष कर में, किस में आता है, अप्रत्यक्ष कर, और बहुसूत्रीय है, ये गंतव्य आधारित होता है। वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, कौन कौन सी है, शराब और पेट्रोलियम, वस्तुएं तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, इन 4 चीज़ों को बाहर रखा गया है जीएसटी से।
वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारी के लिए जीएसटी में रखी गई है वो कितनी रखी गई है 20 लाख और विशेष राज्यों में 10 लाख विशेष राज्यों में 10 लाख। उसके बाद जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की दो बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी है जो जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी है, एक जुड़ी है इन्फोसिस और दूसरी कौन सी है विप्रो, दूसरी कंपनी कौन सी है विप्रो। जीएसटी प्रशासन के किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है, जीएसटी प्रशासन के किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है वो किया गया है जीएसटीएन पोर्टल। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, किसके आधार पर, किस देश के मॉडल पर आधारित है वो है हमारा कनाडा। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थे जीएसटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं हम इसकी एक बार फिर रिवीजन करवा दें तो हम चलिए एक रिवीजन ले ही लेते हैं इसकी, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें जीएसटी के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ से बता देते हैं आपको। किस दिन को जीएसटी के रूप में मनाया जाता है, 1 जुलाई, ठीक है। उसके बाद वास्तु सेवा कर लागू कर दिया गया था, कब जीएसटी लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए हम रिवाइज करवा रहे हैं, विजय केलकर समिति ने। उसके बाद जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये कौन थे, असीम दास गुप्ता, ठीक है। उसके बाद जीएसटी की दरें कितनी है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। उसके बाद है जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन है, आसाम। और सबसे लास्ट में पारित करने वाला कौन सा है, जम्मू कश्मीर। हम आपको ये इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि साथ में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट अभी हमने किया था 15 होते हैं, 15 होते हैं। सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू हुआ था, वो हुआ था फ्रांस में 1954 में। उसके बाद जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी काउंसलिंग के चेयरमैन कौन है, वो कौन है, वित्त मंत्री, हमारे वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया, ये किया गया था सन 2000 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ था, ये हुआ था अनुच्छेद 279A के तहत। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी हमें दोबारा करवाने पड़ रहे हैं। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया कौन सा था, वो 122वां, ठीक है। उसके बाद जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार की संख्या क्रमशः कितनी है, 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है। उसके बाद जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया, वो कब किया था, राज्यसभा ने 3 अगस्त और लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, 8 सितंबर 2016 को, 2016। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है, वो कितने का है, 5 वर्ष का। बहुत ही याद रखने लायक चीज़ें है ये। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान के कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा, कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक। जीएसटी 3 तरह की होती है, स्टेट जीएसटी टैक्स, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद है जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित। वे प्रमुख वस्तुएं जो और सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है वो कौन कौन सी है, शराब और पेट्रोलियम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए जीएसटी में रखी गई है कितनी, 20 लाख और 10 लाख। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की दो बड़ी कंपनियाँ आईटी कंपनियाँ कौन कौन सी है, इन्फोसिस और विप्रो। उसके बाद है जीएसटी प्रशासन के किस नाम से पोर्टल तैयार किया है, किस नाम से है, जीएसटीएन पोर्टल। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा साथ में ही, वो क्या है, अब हम करेंगे ब्रांड एम्बेसडर करेंगे हम हर एक कंपनी के जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो भी करंट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आती है फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर। उसके बाद है आसाम का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसके आसाम की कौन है, हीमा दास आसाम की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद है सार्प टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। उसके बाद सुमादुरा ग्रुप के कौन है, रेमी ली टू इंडिया ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, ठीक है,
रेमी टू इंडिया, इसके कौन है विराट कोहली, फिलिप्स इंडिया फॉर इट्स मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, फिलिप्स इंडिया के मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के कौन है विराट कोहली है, ब्रांड एम्बेसडर इंडिगो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स के कौन है महेंद्र सिंह धोनी, बोट BOAT इसकी कौन है जैकलिन फर्नांडीज, डाबर डाबर की फॉर इट्स स्किन केयर ब्रांड फेम कौन है स्किन केयर के लिए वो कौन है कृति स्नोन, उसके बाद है डॉलर मिजी के कौन है चित्रंगदा सिंह, नेट मेड्स ऑनलाइन फार्मेसी, नेट मेड्स जिसकी टैबलेट्स आती है अभी जो ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है कंपनी वो उसके कौन है महेंद्र सिंह धोनी, कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद बात आती है रिबोक के कौन है नेथेली इमैनुएल, लोरियल पेरिस इसके कौन है अंबर हर्ड, उसके बाद है क्राफ्ट हिंच इंडिया फॉर द कॉम्प्लान ब्रांड कौन है इसके सौरव गांगुली, इसके कॉम्प्लान के लिए कौन है सौरव गांगुली, एजुकेट गर्ल्स ये क्या है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है कैटरीना कैफ, उसके बाद है व्हर्लपूल कंपनी के कौन है कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत, फिर बात आती है बाटा कंपनी के कौन है कृति सेनन, उसके बाद है टाटा सन्स फॉर ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स इसके लिए कौन है एस जयशंकर, टूरिज्म फिजी के लिए कौन है फॉर द इंडिया मार्केट इसकी कौन है लियना डी क्रूज, उसके बाद आती है लुब्रिकेंट्स इंडिया ए हिंदुजा ग्रुप कंपनी है ये, इसके कौन है हार्दिक पांड्या, अब बात आती है वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये है आमिर खान, अब है उबर के कौन है विराट कोहली, गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 इसके कौन है महेंद्र सिंह धोनी, फिर है चॉकलेट स्निकर्स के कौन है MS धोनी, इसके भी कौन है MS धोनी, बाटाज न्यू स्पोर्ट्स वियर के लिए कौन है स्मृति मंधाना, कौन है बाटा की जो न्यू स्पोर्ट्स वियर है उनके लिए कौन है स्मृति मंधाना, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड AICFB इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, इसके कौन है ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है शोएब अख्तर, 2020 मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है सचिन तेंदुलकर, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ए आर रहमान, द मुथुट ग्रुप इसके कौन है अमिताभ बच्चन, इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, हरमन इंटरनेशनल इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है प्रियंका चोपड़ा, फ्रूटी सभी को पता है फ्रूटी इसकी कौन है अलू अर्जुन, पोकर स्पोर्ट्स लीग इसके कौन है विश्वनाथन आनंद, इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर RP संजीव गोयनका ग्रुप फॉर इट्स पैकेज्ड स्नैकिंग ब्रांड 2M, इसके कौन है विराट कोहली, अब बात आ गई गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम GMC बोलते हैं, उसके कौन है क्रिकेटर सुरेश रैना, स्वच्छ भारत मिशन के गाजियाबाद सिटी के अंदर यूपी के अंदर कौन है क्रिकेटर सुरेश रैना, फिर दिल्ली डायनामोस एफसी के कौन है जैकलिन फर्नांडीज, ह्युंडई के 2 से ज़्यादा सालों से कौन है शाहरुख खान, ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसके कौन है किदाम्बी श्रीकांत, एनवायरमेंटल इश्यूज इसके कौन है दिया मिर्जा, इनरवियर ब्रांड लक्स इसके कौन है अमिताभ बच्चन, फुटबॉल फ्रेंचाइजी केरला कोबराज इसकी कौन है सनी लियोनी, इंडोर क्रिकेट टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है संदीप पाटिल, WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर ऑटिज्म इन साउथ एशिया कौन है साइमा वाजेद हुसैन, रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन
रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के कौन है? अक्षय कुमार, इसको आप नॉर्मली इन्हें आप देखते ही होंगे, इनकी एड आई ही रहती है। चाइना हेल्स, इसके कौन है? आमिर खान। चाइना हेल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। वन प्लस सिक्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो मोबाइल की कंपनी है, कौन है? अमिताभ बच्चन। लियोनार्डो ओलिव ऑयल इसके कौन है? सैफ संजीव कपूर। ल्यूमिनस पावर्स न्यू ब्रांड अमेज, इसके कौन है? विराट कोहली। इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली। अब देखिए बात आ जाती है कुछ एक मिनिस्टर ऑफिस की और उनके हेड्स की। देखिए ऑफिस, अगर चेयरमैन की बात की जाए कहाँ के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। कौन है चेयरमैन? कौन है इसके? एच एल दत्तू है इसके चेयरमैन। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसके कौन है? सैयद गयरुल हसन रिजवी। कौन है? सैयद गयरुल हसन रिजवी। उसके बाद बात आती है हमारी चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो कौन है? रामशंकर कदेरिया। उसके बाद है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वो क्या थे? एससी के लिए। ये किसके लिए है? एसटी के लिए, ठीक है। एससी कमीशन के कौन है? रामशंकर कदेरिया। और एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरमैन कौन है? नंद कुमार साय है। अब है नेशनल चेयरमैन कमीशन फॉर वुमेन, ये कौन है? रेखा शर्मा। हमने साइड में आपको पिक्स भी दिखा रखी है इनकी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कौन है? केवी चौधरी, चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, ठीक है। उसके बाद है चेयरमैन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कौन है? आर के माथुर। उसके बाद है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन है? शेखर वसु। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के कौन है? के सिवन। चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कौन है? डिप्पी सिंह है इसके चेयरमैन। चेयरमैन है सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र कुमार। उसके बाद है डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कौन है? तपन मिश्रा। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, ये कौन है? बी एन क्रीपल। उसके बाद बात आती है चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन है? देवेंद्र कुमार सिकरी। उसके बाद है गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई 2 अक्टूबर 2015 से। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये कौन है? सत्या नडेला। पेप्सी को सीईओ टिल 2019 इंदिरा नुई। और न्यू पेप्सी को सीईओ कौन है? रमन लघुआर्टा, ठीक है। एडोब सीईओ शांतनु नरेन। उसके बाद नोकिया के कौन है राजीव सूरी। सीईओ ऑफ डाइजियो, ये कौन है? इवेन मैनेजेस। डाइजियो क्या है? अल्कोहल बनाती है डाइजियो कंपनी। देखिए डाइजियो के सीईओ ये रहे इवेन मैनेजेस, और डाइजियो बनाती क्या है? अल्कोहल। उसके बाद है डीबीएस ग्रुप होल्डिंग कंपनी डीबीएस, इसके कौन है? पीयूष गुप्ता। DBS एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है, कहाँ? एशिया के अंदर है ये। सीईओ ऑफ सैनडिस्क कंपनी सभी को पता है, इसके कौन है? संजय मल्होत्रा। सैनडिस्क क्या है? मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की? फ्लैश मेमोरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेमोरी रीडर्स, USB फ्लैश ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। सीईओ ऑफ हरमन कौन है दिनेश पल्लीवल, ये क्या है? इज एन अमेरिकन सब्सिडियरी ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया बेस्ड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजाइन एंड इंजीनियर कनेक्टेड प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमेकर्स कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग कनेक्टेड कार सिस्टम ऑडियो एंड विजुअल प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज ऑटोमेशन एंड कनेक्टेड सर्विस। अब देखिए उसके बाद है MD एंड CEO ऑफ इम्पोर्टेंट बैंक्स। अब हम क्या बताएंगे आपको, MDO के बारे में बताएंगे और CEO बताएंगे किनके, कुछ एक इम्पोर्टेंट बैंक्स की है जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा? इलाहाबाद बैंक। इसके CEO या फिर MD, देखिए इसके हम आपको बताएंगे MD और CEO कौन है, उषा अनंत सुब्रमण्यम।
उसके बाद है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक सभी को पता है इसके कौन है, सुरेश एन पटेल। कौन है इसके? सुरेश एन पटेल, जो क्या है, एमडी और सीईओ है। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, रवि वेंकटसन, रवि वेंकटसन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और पी एस जयकुमार कौन है इसके, एमडी और सीईओ, ठीक है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, जी पद्मानवन, वो क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके। और दीनबंधु महापात्रा, वो क्या है, एमडी है और सीईओ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है, रविंद्र प्रभाकर मराठे, जो क्या है इसके, एमडी और सीईओ। देखिए एक बार फिर कर लेते हैं हम, इलाहाबाद बैंक के कौन है, उषा अनंत सुब्रमण्यम। आंध्रा बैंक के कौन है, सुरेश एन पटेल। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो तो है रवि वेंकटसन, और जो एमडी और सीईओ है वो कौन है, पी एस जयकुमार। इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है, जी पद्मनभन, ठीक है पद्मनभन। और जो दीनबंधु महापात्रा है वो क्या है, एमडी और सीईओ। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है, रविंद्र प्रभाकर मराठे, जो क्या है इसके, एमडी और सीईओ। अब बात आती है कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक के कौन है, टी एन मनोहरन जो इसके चेयरमैन है। और राकेश शर्मा क्या है इसके, एमडी और सीईओ। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके कौन है, राजीव ऋषि, क्या है वो, सीएमडी, क्या है इसके, सीएमडी। कॉरपोरेशन बैंक के कौन है, जय कुमार गर्ग, एमडी भी वही है और चेयरमैन भी। उसके बाद बात आती है देना बैंक की, देना बैंक के कौन है अश्विनी कुमार। उसके बाद है आईडीबीआई बैंक के कौन है, महेश कुमार जैन, जो क्या है, एमडी है और सीईओ है इस बैंक के। अब बात आती है इंडियन बैंक के कौन है, टीसी वेंकट सुब्रमण्यन, वो क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और किशोर पिराजी खैरत, वो क्या है इसके, एमडी और सीईओ। उसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक कौन है, टीसीए रंगनाथन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके। और आर सुब्रमण्य कुमार क्या है इसके, एमडी और सीईओ। फिर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कौन है, मुकेश कुमार जैन, क्या है इसके, एमडी और सीईओ है। और पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके कौन है, जितेंद्र वीर सिंह। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक के कौन है, सुनील मेहता, क्या है इसके, एमडी और सीईओ। सुनील मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये मत सोचना कि एक ही बंदा है, दोनों का नाम सुनील मेहता है बट दोनों अलग अलग बंदे हैं। अब है सिंडिकेट बैंक के कौन है, मेलविन रेगो क्या है इसके, एमडी और सीईओ। उसके बाद बात आती है यूको बैंक के कौन है, रवि कृष्ण ठक्कर, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, पवन कुमार बजाज, और वो क्या है इसके, एमडी और सीईओ है। उसके बाद बात आती है विजया बैंक के कौन है, जी नारायणन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और आर ए शंकर नारायण, वो क्या है, एमडी और सीईओ। स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया के कौन है, रजनीश कुमार, जो क्या है इसके चेयरमैन। उसके बाद देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ये देखना है कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और साथ में आपको फिर उसके बाद आंसर बताया जाएगा, जस्ट आपको चेक करना है कि आपको आते हैं या नहीं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किया था, किसने किया था भाई, आप देखिए इनमें से सी फंक, रोजर मूर, सी फ्लेमिंग, रॉबर्ट फ्लेमिंग। तो देखिए इसका आंसर आएगा सी फंक, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी और सी। तो पहले आप सोचिए, उसके 3 सेकंड बाद हम बताते हैं आपको। इसका आएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद बात आती है विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता, मानव शरीर को विटामिनों के प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है, कथन पदार्थों के सेवन से होती है, कथन बी और सी सही है।
देखिए अब कौन सा है इनमें से सही, वो कौन सा है, बी और सी, डी ऑप्शन ठीक है इसका, तो इसका क्या आएगा बी और सी। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है और मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है, दोनों पॉइंट सही है। उसके बाद है विटामिन से कौन सी विटामिनें, निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिनें पानी में वसा में घुलनशील है, तो क्या आएगा ये इसमें कौन सा आएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ए डी ई, सेकंड है विटामिन डी और ई, फिर है विटामिन डी ई के, और उसके बाद है विटामिन ए डी ई के, तो इसका आंसर क्या आएगा डी, क्या आएगा डी, कौन सा विटामिन के ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है ये सभी क्या है जल में सॉरी वसा में घुलनशील है। विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फर्स्ट क्या है विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, सेकंड क्या है विटामिन शरीर की मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है कौन से दो, तो देखिए विटामिन पहला कथन सत्य है, दूसरा या फिर एक और दो दोनों या फिर एक दो में से कोई नहीं, तो इसका क्या आएगा एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। मानव में रतौंधि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, देखिए आपको अगर पता है तो आप बताइए, नहीं तो इसका आंसर क्या है विटामिन ए। विटामिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन, देखिए हमने आपको ट्रिक करवाई थी विटामिन से रिलेटेड, एक ट्रिक करवाई थी ना वो याद है आपको, ठीक है अगर वो आपको याद है तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है बी, इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बेरी बेरी विटामिन बी वन, पेलाग्रा विटामिन बी फाइव, नपुंसकता विटामिन ई, या इनमें से कोई नहीं। आपको देखिए हमने आपको करवाए थे कि किसकी वजह से कौन सा रोग होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो अब आपको भी खुद को भी याद होगा, ठीक है तो इसका क्या आएगा डी, इनमें से कोई भी युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन में कौन, इनमें से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है, कौन सा होता है भाई, ये तो आपको अच्छे से पता है विटामिन ई, विटामिन बी वन, विटामिन सी या विटामिन डी, देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा विटामिन डी। उसके बाद विटामिन डी की कमी से बच्चों में और डैश प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, कौन सा, और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, बच्चों में कौन सा होता है, बच्चों में होता है इसका रिकेट्स, कौन सा होता है रिकेट्स। उसके बाद है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम इसका हमें सभी को पता है, एक बार आप देखिए रेटिनोल, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या टेकोफेरोल, इसका क्या आएगा हमारा एस्कोर्बिक एसिड, हमने ट्रिक भी करवाई थी इसके लिए। रतौंधि किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधि किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए बी सी डी, इसका क्या आएगा देखिए इसका आंसर आएगा विटामिन ए। प्रोटीन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, मांस, दूध, आंवला या गाजर, देखिए विटामिन सी का सभी को पता है खट्टी चीज़ों से मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आंवला। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, हमने आपको वहाँ बताया था ना सभी रोगों के लिए कि किस विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, इनमें से विटामिन ए डी के या सभी, क्या आएगा इसका सभी, इसका क्या आ जाएगा सभी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी सी दोनों ही या फिर कोई नहीं, क्या आएगा इसका दोनों ही, कौन सा आ जाएगा, विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है वो क्या होगा, थायमीन, क्या हो जाएगा थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होगा, वो रेटिनोल, क्या होगा रेटिनोल। सकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सकरवी रोग पूछा गया है किसकी वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, वो होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। उसके बाद है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जी, इसका सभी को पता है विटामिन डी किससे रिलेटेड होता है, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, कौन सा है विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम, बायोटिन, क्या है बायोटिन। नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण, नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है, किस विटामिन, विटामिन सी की वजह से,
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोल। फिलोक्विनोल। मछलियों के यकृत के तेल से कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर विटामिन ई? इसका आंसर क्या आएगा हमारा? विटामिन ए की वजह से। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? अगर किस विटामिन को गर्म कर दे तो वो नष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है इनमें से, ऑप्शन में से देखिए आप, एनीमिया, तपेदिक, सकरवी या रिकेट्स। इतना तो आपको ही पता है इनमें से कौन सा होगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद विटामिन शब्द किसने दिया? मेंडल, लुई पाश्चर, फंक या फिर सिंक्लेयर? तो इसका तो आप सभी को पता है, हम कर चुके हैं पहले ही। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनाने में होता है हमारा विटामिन के। कौन सा होगा? विटामिन के। देखिए उसके बाद है विटामिन ए और बी के आविष्कारक। इसका भी सभी को पता है ए और बी किसने? मैकुलन है इसके आविष्कारक। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करवा रहे हैं कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में नहीं रहते, तो हम उसको अभी रिमाइंड करवा देते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। उसके बाद है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, नवीनतम कोण क्या है? देखिए अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रहे हैं कि नए जो अध्यक्ष बने हैं उनमें सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ये नए बने हैं, ये कौन है? प्रसून जोशी। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ये कौन है? नरेंद्र भत्रा। देखिए ये क्वेश्चन हम बीच में आ भी चुके होंगे, ठीक है, हमने जब ये वीडियो की थी, बट हम आपको रिमाइंड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये सभी वो नई जो भी अध्यक्ष बने हैं वो है, और इनमें से करंट में क्या होता है, जो नई चेंजिंग हुई है उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसलिए ये रिमाइंड करवा रहे हैं आपको ताकि आपको एक टेस्ट भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश देखिए अभी तक थे दीपक मिश्रा, ठीक है, अभी तक थे दीपक मिश्रा बट अब फिर चेंज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये कौन है? रेखा शर्मा। सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके कौन है? अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष कौन है हमारे? अजय त्यागी। उसके बाद है हमारा नीति आयोग के सीईओ वो कौन है? अमिताभ कांत। ये रहे वो अमिताभ कांत जी। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? सुमित्रा महाजन जी है। लोकसभा उपाध्यक्ष ये कौन है? एम थंबी दुरई। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश जी है। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद को विपक्ष का नेता बनाया गया है। सार्क के महासचिव वो कौन है? अमजद बी हुसैन। भारत के महान्यायवादी कौन है? के के वेणुगोपाल। वायुसेना के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनोहा। नौसेना के अध्यक्ष कौन है सुनील लांबा। थल सेना के अध्यक्ष, देखिए तीनों सेनाओं के हैं, वायुसेना के वीरेंद्र सिंह धनोहा, नौसेना के सुनील लांबा, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? विपिन रावत। आईबी के अध्यक्ष कौन है? राजीव जैन। उसके बाद बीएसएफ के अध्यक्ष पूछा गया है, बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है हमारे? के के शर्मा। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? राजीव राय
भटनागर. कौन है? राजीव राय भटनागर. आरबीआई गवर्नर, सभी को पता है ये कौन है? उर्जित पटेल. कौन है ये? उर्जित पटेल जी है. एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष है रजनीश कुमार. एसबीआई के अध्यक्ष कौन है हमारे? रजनीश कुमार जी है. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन. कौन है? मल्लिकार्जुन. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना. अरविंद सक्सेना है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष. सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर. सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर. चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष, चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी. कौन थे? वाई वी रेड्डी. पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? एन के सिंह. कौन है ये? एन के सिंह. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ये कौन है? रवि शास्त्री. ये कौन है? रवि शास्त्री. उसके बाद जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर सभी को कौन पता है? कौन है? अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्या क्या टॉपिक किए हैं, अभी हमने क्या क्या टॉपिक हम कर चुके हैं. हमने क्या क्या किया है? विटामिन, ठीक है, हमने विटामिन के बारे में किया है. हमने वायरस से जो भी डिजीज फैलते हैं वो सभी किए हैं. बैक्टीरिया से जो भी डिजीज है वो किए हैं, बैक्टीरिया का नाम. उसी तरह हमने सीईओ के बारे में बताया है. ब्रांड एम्बेसडर के जो भी क्वेश्चन थे हमने वो सभी क्लियर किए हैं. हमने सेल के बारे में पढ़ा है. गुप्ता डिनेस्टी, गुप्त वंश के बारे में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम जो भी हमारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सभी किए हैं. उसके बाद बात आती है बैंक्स की. बैंक्स के हमने सीईओ किए हैं, नई नियुक्तियां जो भी अध्यक्ष है उनके बारे में, और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से किस की वजह से कौन सा रोग होता है वो भी हमने किया है. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस कितने थे, 500 प्लस क्वेश्चंस हमारे इसमें आ चुके हैं. राउंड अबाउट हमारे 800 के राउंड अबाउट हमारे इसमें क्वेश्चन कवर हुए, और मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. हर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे. अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आप क्या कीजिए, आप पहले इस वीडियो को खुद देखिए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इसका क्या बेनिफिट होगा कि एक ही जगह पर मोस्टली टॉपिक एक ही जगह पर आपके फ्रेंड्स को, मोस्टली टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे. और उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा, और आपके अलग अलग तरह के टॉपिक इकट्ठे एक ही जगह पर हो जाएंगे. ठीक है, आप क्या कीजिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस. ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हम आपके लिए नई वीडियोज लेकर आएंगे. ठीक है, और क्वेश्चंस हम जैसे अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम आएंगे, एसएससी के एग्ज़ाम्स आएंगे, बैंक्स के एग्ज़ाम जो चले हुए हैं, उन सभी के लिए हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड समय समय पर करवाते रहेंगे. अगर आपको कोई विशेष टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, कि आपको क्या, किस टॉपिक पर, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप ऐसा ज़रूर करें. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दें. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उनसे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपडेट्स जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहे. आप हमारे चैनल का लोगो देख सकते हैं, अभी मैं आपको लोगो दिखा देता हूं. आपको जब भी आप सर्च करो, देखिए ये है हमारे चैनल का लोगो. जब भी आप मंकित 72 लिख कर सर्च करोगे तो आपको सामने ये लोगो दिखेगा. ठीक है, आप इसे क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं. यूट्यूब पर इसे ज़रूर सर्च कीजिएगा. उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियोज देते रहेंगे. अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैथ्स में, रीजनिंग में कोई भी क्वेरी, आप वहाँ क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन
प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही देखिए, जैसे ये क्वेश्चन थे 500+, ये 500+ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, क्योंकि इनमें से ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम कवर करेगा ये। ठीक है, जैसे अभी पास में सबसे नज़दीक कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा, HSSC, RRB क्या चला हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चला हुआ है, उसके बाद RRB ALP का एग्ज़ाम सेकंड स्टेज CBT 2 है, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा के अंदर क्या है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके बाद SI कॉन्स्टेबल हरियाणा पुलिस के अंदर, फिर DSP के लिए भी है एग्ज़ाम, उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मंकित 72 अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, हर एक राज्य के आपको पीरियोडिक टेबल, जो वो होते हैं युद्ध, होते हैं युद्ध अभ्यास, उन सभी के लिए हमने अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। हम डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल देंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वहाँ से ईजिली वो सारे टॉपिक कर सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से, आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा, आपके एग्जाम्स में कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल मंकित 72। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।